मानवी के धैर्य की सीमा हो चुकी है खत्म, पेशेंस की, और अब आ गई है वो खुद पाव सेकने यहाँ पे। दो बज गए और जला क्यों रही है, सिम कर ले गैस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइज आज है संडे मॉर्निंग और बस मैं नहा धो के पूजा पाठ करके हो गई हूँ रेडी फटाफट से सुबह से, और बस काम निपटा लिया है जी। आजकल काम वाली हमारे पास नहीं है तो अब देखते हैं काम वाली की व्यवस्था करते हैं। तो बस सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और उठ के रूटीन स्टार्ट। तो चलिए अब बनाते हैं पहले ब्रेकफास्ट और बच्चों के लिए आज बनाते हैं कुछ स्पेशल। बाकी डेली तो हेल्दी हेल्दी चलता है, वंश बंद करो गेट को, हेल्दी हेल्दी चलता है। तो सैटरडे संडे में मैं सोचती हूँ कुछ इनको अनहेल्दी सी। वैसे तो देखिए पाव भाजी बनाने जा रही हूँ, पाव भाजी तो ठीक है, मतलब इतनी सब्जी होती है हेल्दी होती है, बट ये है कि पाव हैं बाहर के तो देखिए कभी कभार तो ये सब चीज़ें चलती हैं, बच्चों को खिलानी चाहिए, बच्चों के मन करते हैं तो सब कुछ खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से तो बच्चों को, लेकिन अपना घर का बना के अपने हाथों से बना के फ्रेश फूड। तो बस चलिए बनाते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और एंड तक ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। और देखिए व्यूज़ तो ठीक आ रहे हैं बट आप लोग लाइक नहीं दबाते। अब आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं पहले तो लाइक दबाइए। देखिए इस ये वाला जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, इस पर पहले लाइक दबाइए और फिर आगे की वीडियो देखिए, ठीक है। तो लाइक दबा दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से सबसे कि जो भी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर दबाइए, शेयर करिए मत। देखिए जिन पे शेयर करना आता है वो शेयर कर लीजिए और जिन पे नहीं आता वो मत कीजिए, आपकी मर्जी है। और सब्सक्राइब का बटन, जो भी मेरे चैनल पे आप लोग नए वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पे ज़रूर आप प्रेस कर दीजिए, ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है इस पर प्रेस कर दीजिए। और फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर, वहाँ भी मेरी रील्स वीडियो आप लोगों को काफ़ी मिल जाएंगी और लिंक्स जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। आलू बहुत पसंद है, ये देखिए, और आलू की खुशबू आते ही बैठा था बालकोनी में आगे और खुशबू आते ही आ गया किचन में। मैं तो ले लो, चलो जम करो, जम 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 करो तभी मिलेगा, जम 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 जम। इतनी ऊपर क्यों जम कराते, उसकी हाइट से ऊपर आप जम करवा देते। ले और ले और ले ले और जम करो, पहले यहाँ नहीं करनी वहां पे करता है, करो जम 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 जम। बहुत ही ज्यादा पसंद है इसको आलू, लेकिन ज्यादा आलू नहीं देने चाहिए गाइस, ये ना फिर बाद में उल्टी करते हैं, तो बस एक ज्यादा से ज्यादा डेढ़ दे दो, बस बहुत है। अगर आपने पेट पाले हुए हैं घर में तो आलू खिलाइए मोटे करने के, थोड़े बहुत उबले आलू बहुत पसंद होते हैं इन्हें। अभी मेरे छोटे छोटे आलू हैं तो मैं इसलिए इसको दो दे रही हूँ, बड़ा आलू है तो एक ही देना चाहिए बस। ये लो, और पनीर भी बहुत ज्यादा पसंद होता है इन्हें। लो वंश काट दी बॉल, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पाव भाजी बनाना। तो यहाँ पर डाल दिया है जी मैंने मक्खन की टिक्की आधी कट करके, आप चाहें तो, वैसे तो मैं कहूँगी कि आप मक्खन में ही भाजी को बनाइए, सरसों के तेल रिफाइंड कुछ भी मेरे ख्याल से नहीं ऐड करना चाहिए आपको, तो मक्खन सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर मक्खन डाल दिया है, गर्म होने के बाद डाल दिया जी मैंने चॉप की हुई बारीक बारीक प्याज। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि भाजी में सारी जितनी भी वेजिटेबल्स हम कट करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बारीक हों,
तो बस देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा दरदरा सा ये लहसुन प्याज और हरी मिर्च का जो है पेस्ट, वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, हल्का सा वैसा रख लिया था खड़ा खड़ा सा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देता है ये भाजी में, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो बस यहाँ पर ये भुन चुकी हैं चीज़ें, प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे डाल दूँगी टमाटर की प्यूरी। तो यहाँ पे टमाटर कट करके नहीं डालेंगे, प्यूरी ही डालेंगे। तो देखिए भाजी तो जितनी ज़्यादा बारीक बने ना एकदम बढ़िया, तो वो टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर ये वाला मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे MDH का मसाला है, पाव भाजी मसाला। तो चलिए पहले इसको कंटेनर में डाल लेते हैं। और देखिए मेरे पास किसान जैम आता है मेरे घर में, बच्चे खाते हैं हम लोग, तो मैंने आज तक कभी भी मसाले के बॉक्स नहीं खरीदे हैं, ना ही ये डब्बे खरीदे हैं, कभी भी कंटेनर हमेशा, और कांच की जो बॉटल है ना उनमें मसाले रखने से कभी ख़राब नहीं होते। आप लोग यूज़ करिए कांच की बॉटलों में ही मसालों को आप रखिए। तो बस यहाँ पर मैं पाव भाजी मसाला डाल दूँगी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जब वैसे तो मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच डाला है अपने हिसाब से। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मसाले की यहाँ पर। तो देखिए लगभग 95% भून चुका है। इस स्टेज पे डाल देंगे जी इसमें उबले हुए आलू जो हमने फोड़ के रखे हुए हैं, तो बस आलू डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया टेस्ट फ्लेवर देते हैं आलू का। तो यहाँ पे आलू मिक्स करने के बाद डाल देंगे सब्जियाँ कट करी हुई हमारी, आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। देखिए पेठा तो लेना ही लेना है, बाकी सब्जियाँ आप डाल सकते हैं जो भी आपकी मर्जी हो। तो बस पानी डाल दूंगी मैं ढेर सारा, ऊपर से डाल देंगे स्वादा अनुसार नमक, और बस सबको कर देंगे एक दूसरे के साथ मिक्सअप मिक्सअप, एंड उसके बाद लगा देंगे ढक्कन। तो देखिए हमारा ये कुकर ऐसा है कि ये इस पे बनती हैं सब्जियां, दालें जो भी हैं वो बनती हैं जी सिम गैस पे। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट क्या है कि बहुत ही बढ़िया एकदम बन के निकलती हैं, बहुत अच्छी। तो इस कुकर के बहुत ही ज़्यादा यही फायदे हैं। तो इतनी देर में भाजी बन रही है, इतनी देर में कट कर लेते हैं जी प्याज सैलेड के लिए। तो यहाँ पर सैलेड बना लेते हैं, क्योंकि बिना ऑनियन के बिल्कुल मज़ा नहीं है भाई पाव भाजी खाने में। और यहाँ पर खीरा कट करके मैं पहले सैलेड बना देती हूँ, और उसके बाद में पाव सेकेंगे। तो बस नींबू मार के थोड़ा सा, और नमक मार के, काला नमक, काला नमक डालिए यहाँ पे और नींबू। तो बस यहाँ पर जी सैलेड भी रेडी हो गई है पाव भाजी के लिए। तो बस इसको ढक के रख देंगे, छोड़ देंगे, और अब चेक कर लेते हैं थोड़ा सा भाजी। तो भाजी किस स्टेज पर पहुंची है देखते हैं अभी। तेल भी कर रही बेटा? नहीं मुझे बात नहीं है। नहीं तेल भी करा लो बस, खा लो, अभी काम पड़ा है, अभी पाव सेकूंगी, इतना टाइम नहीं है। सही है, और दाल भी कर दो। दाल भी मत करना, दाल भी कर दो, सारी जो मत करना, पैर कर दो। तेल बिखर जाएगा यहाँ पे, बैठ पे, ऐसे मत करो। तो यहाँ पे वंश आ गया है जी नहा के, और बस इसने लगा दिया कि मेरे पैरों की मालिश करो, बाद में आप करना काम। तो बस मैं छोड़ के किचन को आ गई हूँ रूम में, और 10 मिनट बस मालिश करके इसकी जाऊँगी, फिर से कंटिन्यू करूँगी पाव भाजी। तो बस नहा के आता है तो इसको थोड़ी सी ज़रूरत लगती है कि मम्मी मेरी मालिश कर दो, सर की मालिश कर दो, पैर की। बाकी दिन तो देखिए स्कूल जाता है ये, बाकी सैटरडे संडे में ही हम लोग इसकी पैरों की मालिश कर पाते हैं। बाकी ये है कि हाँ मैं शाम को जब इसको एकेडमी से लेकर आती हूँ तब भी मेरी कोशिश रहती है, लेकिन ये है कि काम इतना ज़्यादा हो जाता है, काम पे काम काम पे काम, तो नहीं हो पाता है इतना ज़्यादा। तो बस ये है कि सैटरडे संडे में रहती है, मैं कर देती हूँ, हस्बैंड कर देते हैं। तो मालिश तो देखिए बच्चों की ना ज़रूर कीजिए, अभी छोटे हैं बच्चे, थोड़े मजबूती आएगी इनके हाथ पैरों में। तो बस इसीलिए सरसों के तेल को गरम करके वैसे मैं करती हूँ, आज तो कोकोनट ऑयल से जल्दबाजी में उसकी कर दी है। मैंने कह रहा था कि मेरी तो आप गरम करके तेल से, उससे सरसों के तेल से करो।
तो बस वहाँ पे मैंने मालिश करके इतनी देर में, अभी भी देखिए भाजी ना सिम गैस पे बन रही है, थोड़ा सा इसमें लगता है टाइम, तो इतनी देर में बाकी सैलेड कट हो गई है, पाव की तैयारी कर लेते हैं यहाँ पर, मक्खन वगैरह मैं कट कर लूँगी और बस चलिए यहाँ पर बना लेते हैं अभी। और मानवी वेट कर रही है कि जल्दी से बने, क्योंकि संडे वाले दिन ना देखिए कुछ भी सही, वैसे रूटीन तो थोड़ा सा गड़बड़ हो ही जाता है, बाकी दिन तो रूटीन बहुत ही बढ़िया चलता है, सुबह जल्दी उठना, ब्रेकफास्ट सब कुछ टाइम पे होता है, बाकी सैटरडे संडे में थोड़ा आराम के चक्कर में अगर हम लोग पड़ जाते हैं ना, तो उसमें फिर बाकी रूटीन खाने का, लंच का, ब्रेकफास्ट का थोड़ा इधर उधर हो जाता है, टाइमिंग थोड़ी सी मतलब लेट हो ही जाते हैं। तो भाई देखिए हम भी मानवी के धैर्य की सीमा हो चुकी है खत्म, पेशेंस की, और अब आ गई है वो खुद पाव सेकने यहाँ पे। दो बज गए और जला क्यों रही है, सिम कर ले गैस। तो बस मानवी ने तो एक उसने सेके हैं चार पांच, तो वो थोड़े से जला लिए, तो मैं इसको बता रही हूँ कि बेटा ऐसे नहीं सेकते, और तो मैं मैंने कहा ऐसे सेकते हैं, पहले वो तवे पे वो डाल लेती है मक्खन, तो वो तवा उसको सोख लेता है, तो बस मैं उसको बता रही हूँ कि इस तरीके से सेके जाते हैं। देखिए जैसे जैसे थोड़े बच्चियाँ हैं तो बड़ी हो रही हैं, तो उनको ना ऐसी छोटी छोटी टिप्स अगर हम लोग देंगे ना तो समझती हैं वो इन सब चीज़ों को, ध्यान देती हैं इन चीज़ों पे, ऐसा नहीं है फिर आगे से वो करती हैं, बट क्या है कि अगर बताई ही नहीं जाएंगी चीज़ें बिल्कुल भी, सिखाई ही नहीं जाएंगी, तो बच्चों को वो कभी आ ही नहीं पाएंगी और बच्चे कभी इंटरेस्ट लेंगे भी नहीं इस चीज़ में। तो बस यही शुरू से ही, जैसे 10-11 साल की बेटियां हो जाती हैं या बेटे हो जाते हैं, बेटियां देखिए सबको ही आना चाहिए, मैं ये नहीं बोलूँगी खाली बेटियों को ही आना चाहिए, बेटों को भी बेटियों को दोनों को ही सीखना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए, पता नहीं कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। तो बस जी यहाँ पर रेडी हो चुकी है हमारी भाजी, और मैं इसको ना रई से बिल्कुल अच्छे से चला दूँगी, सब्जियाँ गल चुकी हैं बहुत ही बढ़िया तरह से, सब्जियाँ गल चुकी हैं अच्छे से, रई से चला दूँगी जैसे कि लस्सी चलाते हैं ना उस तरीके से, सारी एकदम अच्छे से मैं रई से चला दूँगी, तो बारीक हो गई हैं सारी सब्जियाँ, अभी बिल्कुल बन के बिल्कुल निकली है ये, तो थोड़ी सी अभी ऐसी लग रही, थोड़ी देर बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है भाजी, तो इसमें तो जितना ज़्यादा पानी ऐड करा जाए उतना ही अच्छा। तो देखिए हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है बहुत ही बढ़िया भाजी, बिल्कुल मस्त वाली, तो चलिए लगा के दे देते हैं अब प्लेट, और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे प्लेट, तो सैलेड डाल लेते हैं। तो बच्चे ले गए हैं अपनी पाव भाजी डाल के प्लेट्स में, तो चलिए आज देखी आपने, देखी रेसिपी ऑफ पाव भाजी। तो बस मैं आ गई हूँ जी रूम में, और बस अब एंजॉय करेंगे पाव भाजी, बच्चों को दे दिए, बच्चे ले गए लगा के, और बस खा रहे हैं बच्चे, तो आप लोग भी आ जाइए। और आज का ये हमारा ब्रेकफास्ट लंच दोनों हो गया है पाव भाजी, क्योंकि संडे है तो संडे को सभी लेट ही उठते हैं, जल्दी उठना नहीं होता तो इसलिए नाश्ते का टाइम तो निकल ही जाता है, बाकी टाइम तो देखिए बहुत जल्दी उठते हैं, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, क्योंकि सैटरडे को भी स्कूल होता ही है बच्चों का, तो 5:15 बजे मैं उठ जाती हूँ, तो ये है कि संडे तक थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा सा और दिन से थोड़ा सा मैं सो लेती हूँ आधा एक घंटा, तो इसलिए ब्रेकफास्ट का टाइम ज़्यादा रहता नहीं, इस वजह से लंच और हमारा आज का ब्रेकफास्ट एक ही हो गया। तो चलिए आई होप आज का ये छोटा सा व्लॉग, बस रेसिपी व्लॉग ही ज़्यादा दिया है मैंने, आप लोग इस तरीके से मेरा रेसिपी ये ट्राई करिए तो काफ़ी अच्छी बनेगी, हेल्दी बनेगी, देखिए ऑयल ज़्यादा नहीं डालती हूँ मैं सब्जियों में, बहुत ही कम डालती हूँ तो इस वजह से, और अच्छा भी है, देखिए वेट हमें तो वैसे भी बहुत ज़्यादा वेट की प्रॉब्लम है, वेट गेन होता है तो हम तो थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, तेल वगैरह मक्खन वगैरह जो भी चीज़ें हम डालते हैं सब्जियों में वो थोड़ा क्वांटिटी कम डालते हैं। तो चलिए बना लिया है और अब खा पी लेते हैं भाई थोड़ी सी, और आज का बस छोटा सा ही व्लॉग बनाया है रेसिपी व्लॉग, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, व्लॉग पसंद आया हो तो, वीडियो पसंद आई हो रेसिपी वीडियो तो लाइक,
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड सी यू अगेन। राधे राधे।